Welcome back to the channel everyone. I hope you all are doing as fine as you were in the past video. आपने पिछले वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिल से थैंक्स. मैं भी ऐसे इधर उधर देख रहा था और आई जस्ट फेल्ट दैट एक ज़माना था जब मैं टेरेस पे कभी नहीं आया हूँ और इस लॉकडाउन ने मेरे को क्या कुछ नहीं करवाने के लिए मजबूर किया. अभी टेरेस पे आना जाना होते रहता है. लाइक हमारा जो टॉप फ्लोर है तो नॉर्मली हम ही लोग ज़्यादा आते हैं टेरेस पे. सोसाइटी में इतना कोई रहता भी नहीं कि कोई टेरेस पे है, सो इट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर अस. तो आपकी बात करूँ तो लैपटॉप जो कहूँगे बीच बीच में, तो लैपटॉप पे मैंने काफ़ी सारे गेम्स चलाए इंक्लूडिंग विचर 3 और अभी सोच रहा हूँ वैलोरेंट खेलूँ. परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स है लैपटॉप के. शहो की शर्ट मेरे पे अच्छा लग रहा है. पिछली बार मैंने इसको 4-5 महीनों पहले पहना था, कॉलेज का फेस्ट था उसमें पहना था. एनीवेज इसको साइड में रखते हैं. अब बात करते हैं कि यूट्यूबर्स यूट्यूब से कितना कमाते हैं या अगर आप यूट्यूब ज्वाइन करते हो तो आप उसमें से कितना पैसा कमाओगे. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज अनीश एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डू यूट्यूबर्स गेट पेड. मतलब एक्चुअल सच क्या है इसका, सच्ची में क्या वो करोड़ों रुपए अर्न करते हैं, उनको 1000 व्यूज के पैसे मिलते हैं, उनको हर एक व्यू का पैसा मिलता है. सो इस वीडियो में आपकी जितने भी सारे डाउट्स है वो सॉल्व हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ द वीडियो. सो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाए. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लोग को एक सच बात बता दो, यूट्यूब एक फिक्स इनकम कभी किसी को नहीं देता, चाहे वो कितना भी क्यों ना बड़ा यूट्यूबर हो. यूट्यूब पे कमाने के काफी ज्यादा तरीके हैं, बट आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडसेंस के बारे में, क्योंकि एडसेंस ही ऐसी चीज है जो प्योरली आपको यूट्यूब से इनकम देती है. बाकी जो हुआ वो सब एफिलिएट मार्केटिंग वो सब हुआ. फिलहाल इस वीडियो में हम उसकी बात नहीं करेंगे. सो जब आप एक यूट्यूब अकाउंट बनाते हो तो आप एडसेंस अकाउंट भी बनाना पड़ता है और आपका एडसेंस अकाउंट होता है यूट्यूब से लिंक्ड. तो समझो आप मेरा वीडियो प्ले कर रहे हो यूट्यूब पे, तो वीडियो के स्टार्टिंग में या बीच में कहीं भी एक ऐड आ जाती है और जब आप उस ऐड को देखते हो तो मुझे उसके पैसे मिल जाते हैं. सो सिंपली कहूँ तो ये एडवर्टाइजर्स या जो भी ब्रांड का ऐड आ रहा है वो यूट्यूब को पैसे देता है कि भाई यूट्यूब हमारे एड्स प्ले करो. मैकडोनल्ड्स का ऐड है तो मैकडोनल्ड्स यूट्यूब को दे रही है 10 रुपये और बोल रही है कि मतलब तुम लोग इन टारगेटेड यूट्यूबर्स के चैनल पे हमारा वीडियो प्ले करो और हम आपको इतना पैसा देंगे. जब भी आप लोग हमारा चैनल खोलते हो और वो ऐड देखते हो तो हमें उसका 55% ऑफ रेवेन्यू मिलता है और यूट्यूब रख देता है 45% ऑफ रेवेन्यू. तो सिंपल तरीके से बताता हूँ तुम लोग को. समझो एक साल में अगर मेरे को 1000 एड्स आते हैं और उसमें से मेरे को मिलते हैं 100 रुपये, तो 100 रुपये में से 55 रुपीज मेरे को मिलेंगे और 45% जो है 45 रुपीज वो यूट्यूब रख लेगी. बिकॉज उनके प्लेटफॉर्म में मैं अपना वीडियो डाल रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है उसमें से वो अपना रिवेन्यू भी काट देंगे. सो यूट्यूबर को किस फॉर्मेट में पे करता है उसके मैं आपको भी डिटेल्स बताता हूँ. एक होता है RPM, विच इज रेवेन्यू पर 1000 व्यूज. RPM सिंपली मीन्स दैट, समझो अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो अनीश उड़ांशी और मेरे चैनल पे अगर मेरे को समझो इस वीडियो पे मिलते हैं 1000 व्यूज, तो अगर उस 1000 व्यूज में से, ये तो जरूरी नहीं है ना कि हर एक व्यू में हर एक एडवर्टाइज प्ले होगा, तो 1000 एड्स तो नहीं आएंगे 1000 व्यूज में. तो मेरे को आते समझो 200 एड्स या 150 एड्स, तो उस 150 एड्स के मेरे को कितने पैसे मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड RPM पर 1000 व्यूज. सो मेरे चैनल पे आते हैं 1000 व्यूज, 1000 व्यूज में से मेरे को मिलते हैं 150 एड्स मेरे चैनल पे, और 150 एड्स में से मैं कितना पैसा कमा लेता हूँ, दैट इज रेफर्ड टू एज RPM इन यूट्यूब. यूट्यूब की अर्निंग बस आपके वीडियो पे नहीं डिपेंड करती, आपके वो कीवर्ड्स और टाइटल पे भी डिपेंड करती है. अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ. अगर आप एक वीडियो डालते हो कि दिस इज माई न्यू कार करके, और वही आप एक वीडियो डालते हो कि आई गॉट अ लैम्बोर्गिनी, सो ऑब्वियस ही बात है कि दिस इज अ कार. बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्ट रहेगा कि मैंने कोई स्विफ्ट ले ली है या छोटी मोटी गाड़ी ले ली है. सो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू सी अ स्मॉल कार. वेरस अगर लैम्बोर्गिनी मैं लिखूँ तो मतलब बहुत सारे लोग टूट पड़ेंगे उस वीडियो पे कि भाई मेरे को भी देखनी है. क्योंकि पल्स एग्जांपल देता हूँ, समझो मैं एक कल जाके वीडियो पोस्ट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, और उसका मैं टाइटल देता हूँ आई बॉट अ न्यू कार. सो आई बॉट अ न्यू कार को इतने ज़्यादा व्यूज नहीं जाएंगे कंपेयर टू आई बॉट अ लैम्बोर्गिनी. सो
नहीं आप ही समझो, अगर आपको एक YouTube पे वीडियो दिखता है अबाउट ए न्यू कार, तो आप उसको खोलना ज़्यादा पसंद करोगे या आई वॉन्ट ए न्यू लैम्बोर्गिनी को देखना पसंद करोगे? ऑब्वियसली बात है लैम्बोर्गिनी देखोगे। क्या ना कि यूट्यूब का एल्गोरिथम इस लैम्बोर्गिनी वाले वीडियो को झट से पकड़ लेता है एंड उस पर एड्स प्ले करना शुरू कर देता है। अपना चैनल एनालिटिक्स और आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो मंथली एस्टिमेटेड रिवेन्यू। सो मई के महीने में जो है मेरे को $0.01 मिले थे, जून के महीने में सेम, जुलाई के महीने में सेम। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस महीने में मैंने ज़्यादा वीडियोस डाले ही नहीं थे। इन तीन महीनों में मैंने गिन चुन के एक ही वीडियो डाला है बस। फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर में मैंने हर महीने में करीबन हर महीने दो वीडियोस डाले। मैं आपको पता है मैं ज़्यादा एक्टिव भी नहीं था यूट्यूब पर। सो मेरे को दो वीडियोज़ के $2 मिले, मतलब एक वीडियो का $1 पकड़िए। सो मेरे को हर वीडियो का समझो कि $1 मिल रहा है और मेरे हर वीडियो पर ऑन एन एवरेज भी है जैसा भी है। नाउ यू गाइज नो दैट यूट्यूब डजेंट पे यू सो मच फॉर योर वीडियोज, वरना ऐसे होता कि हर इंडियन यूट्यूबर के पास एक लग्जरियस स्पोर्ट्स कार आ जाती। टर्न इट फ्रॉम अ थिंग कॉल्ड ब्रांड एंडोर्समेंट। अभी ब्रांड एंडोर्समेंट क्या है वो काफ़ी सिंपल, आपको नाम से ही पता चलता है। सो इन शॉर्ट यूट्यूब डजेंट पे यू सो मच। ऐसे तो कोई फिक्स अमाउंट नहीं है जैसे कि मैंने आपको बोला, लेकिन आपको 1000 व्यूज के $61 तक मिल जाते हैं। सो यू कैन अज्यूम कि 1000 व्यूज में आपको $1 आएगा, बट यू कैंट से इट श्योरली राइट, कि आपको पता नहीं आपको 1000 व्यूज में कितने एड्स प्ले होंगे। मे बी आप 1000 व्यूज में $2 कमाओ, $3 कमाओ, आपको ज़्यादा एड्स आए तो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक, योर गेम, हाउ यू प्लेस योर कीवर्ड्स, कितने ज़्यादा लोग वो वीडियो देखते हैं। अगर वो वीडियो ज़्यादा लोगों को सजेस्ट होता है तो उसमें और एड्स आना शुरू हो जाते हैं रेगुलरली, जिससे कि आपका इनकम बढ़ जाता है। जैसे कि मेरे बियर्ड ग्रोथ वाले वीडियो के साथ हुआ था, स्टार्टिंग में उसमें बिल्कुल एड्स प्ले नहीं होते थे, लेकिन जैसे वो वीडियो मतलब बहुत सारे लोगों ने देखना शुरू किया, उसके अभी करीबन 2 लाख व्यूज तक होने हैं, तो उसमें आप जब भी वो वीडियो खोलोगे एक ना एक ऐड तो ज़रूर प्ले होगा। तो सो यूट्यूब नोज दैट इफ सो मेनी पीपल आर वॉचिंग दैट वीडियो, दे श्योरली हैव टू प्लेस एन ऐड। इस एन ऐड ऑब्वियसली बात है, अगर कंपनी यूट्यूब को पे कर रही है उनका ऐड दिखाना है तो वो लोग ऐसे ही वीडियो पे प्ले करेंगे जहाँ पे ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ना कि कोई नहीं देख रहा, क्योंकि उनको भी चाहिए कि उनका प्रमोशन हो। शी यू गेट माई पॉइंट राइट। बाय दिस इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो ओवर हियर। आई होप यहाँ तक आपके सारे जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हो। अगर नहीं हुए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और हाँ, ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने अपकमिंग यूट्यूबर्स दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप ग्रोइंग। बाय।